You are listening to the Potato Pod, where we talk to techpreneurs and creators on how do they pursue their passion, create an impact, and build community. So, ladies and gentlemen, with me today I have Mr. Kana Tiwari, the tech enthusiast, gamer, and a podcaster and the co-host for the Potato Pod. ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में गेमिंग का ऐसा बूम आया, फिर प्राइसेस ऐसे हाइक हो गई, क्या लगता है? 23 जो आया था उसमें प्राइसेस उन्होंने पहली बार वो किया था कि सबसे ज्यादा खराब प्राइसेस थी, वो काइंड ऑफ बहुत हाई प्राइसेस थी। 1080 तक काइंड ऑफ वैसा था कि हाँ ठीक है, एक ग्राफिक कार्ड का टॉप मॉडल 80,000 में और 80-90,000 में मिल रहा है, वो तब ठीक था। बट आपको याद है 2080 का प्राइस कितना था? 2080 सुपर या 2080 Ti का? मुझे लास्ट याद है कि इनकी प्राइसेस थी 80,000 के आसपास। ग्राफिक कार्ड कभी सस्ते तो हुए नहीं, मतलब ऐसे जब वो पहले गेमिंग जब स्टार्ट हुई थी, जब मैंने भी शुरू किया था, जब नया पीसी बनाया था, तो जो लोएस्ट एंट्री रेंज जो होता है ग्राफिक कार्ड आप देखते हैं, तो मेरा तो था 1050 Ti। आपका कौन सा था? दुकान वाले ने धोखाधड़ी करके, हाँ, जब मैं गया उसने कहा कि आपका ये कार्ड खराब है, जबकि वो वारंटी में था। उसने उसके बदले AMD का एक नया कार्ड दिया मुझे, वो 1 GB का था। अच्छा। और उस टाइम में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसने बस मुझे ये बताया कि ये कार्ड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, भरोसा किया था मैंने उस पर। और उसने कहा कि ये कुछ आपका 1 GB जो है वो 4 GB के बराबर काम करेगा। अच्छा, और मैंने बात मान ली, मैं लेके आ गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास कार्ड्स मतलब रहा है, बट उसके बाद ऐसा हो गया था कि जो ये धोखा पड़ा था मुझे लेटेस्ट, मतलब थोड़ा जो मतलब सब कुछ नॉलेज के बाद जो मेरा पहला कार्ड था वो था 1050 Ti। कि हाँ भाई, उससे पहले तो हम लोग इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड पे चल रहे हैं, इंटेल वाले। भाई पबजी मोबाइल की ग्राफिक कार्ड की जरूरत क्यों थी? कोई और गेम होगा सर? नहीं, एमुलेटर। 25,000 में 1050 Ti। हाँ सर, मैंने अच्छी रिसर्च की थी, मैंने सेकेंड हैंड खरीदा था 7,000 में 1050 Ti, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप अभी बात कर रहे हैं कि प्राइसेस महंगी हुई हैं। तो एक्चुअली 1050 Ti का प्राइस ना, जब ये 16 सीरीज आई थी तो इसका प्राइस उस टाइम पे पता नहीं क्यों महंगा था थोड़ा। जो कार्ड मैंने 7,000 में खरीदा था, 7,500 में बेचा, और 12 में तब 1650 सुपर खरीदा था। 1070 काफी अच्छा कार्ड था उस टाइम पे, बहुत। और 1650 सुपर एक्चुअली काफी अच्छा कार्ड था। जो रेंज आई थी ना, स्टार्टिंग वाली रेंज आई थी 1050 Ti, इंडिया के लिए बोल सकता है कि 1050 Ti वो वाला कार्ड था जिसने काफी लोगों का गेमिंग का सपना उसका पूरा करा दिया। अरे बिल्कुल, मुझे ये तक नहीं पता था कि भाई AMD का अगर आप प्रोसेसर यूज कर रहे हैं साथ में, तो आपको ग्राफिक कार्ड चाहिएगा ही चाहिएगा, until unless वो इंटीग्रेटेड वाला आप यूज कर रहे हैं। तो आपको सिस्टम में चलाने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड खरीदना ही पड़ेगा। अब पता चला आपको? फिर ये काफी टाइम बाद, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि जब आपको अच्छा लगने लगता है फिर आप इतना ज्यादा जान जाते हो कि रिसर्च करते हो, हाँ, कि लोग पॉडकास्ट पे बुलाने लगते हैं। अच्छा, मेरा ये था कि मेरे को कभी भी ना, जैसे मैं स्ट्रीमर्स को देखता हूँ, ठीक है, अब लोगों के पास ऑलरेडी 1080 Ti वगैरह सारी चीजें होती है, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ग्राफिक कार्ड जैसी चीज कभी सस्ती हो सकती है, कभी नहीं लगा। क्योंकि 10 सीरीज जब आई थी तब उनकी प्राइसिंग इतनी हाई थी। 1080 Ti लेने का ऑब्वियसली वो था कि भाई 1080 Ti लेंगे, टॉप ऑफ द लाइन। जब 20 सीरीज का कार्ड आया वो इतना अच्छा था कि ये 1080 की कोई वैल्यू लगी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि 20 सीरीज का कम बूम था एज इन कंपैरिजन टू 30 सीरीज? RTX का पहली बार उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था, उसमें RTX आया था। हाँ, जिसका किसी को लोगों ने थोड़ी बात कहा, हमें नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। RTX यूज नहीं कर रहा था, 2 बार चलाया, तीसरी बार हमें FPS चाहिए। आगे घूम फिर के वहीं पे। अच्छा, कुछ चुनिंदा गेम तो थे जो RTX आपको दे रहे थे, एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइनक्राफ्ट। हाँ, अरे इन लोगों ने मार्केट इसी बेसिस पे किया था कि भाई हमारे पास RTX है, आप देखिए माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स आपको क्या दिख रहे हैं, क्या पानी आपको दिख रहा है, क्या घास आपको दिख रही है। मतलब अच्छा दिख रहा था, वो बात है, एक्चुअली अच्छे दिख रहे थे। बट बात वहाँ पे आती है कि जब आप और गेम्स में जाओ फिर उस थोड़ी देर बाद आप बंद करने लग जाते हो, क्योंकि वो RTX को ये लोग वैसे सेल नहीं कर पाए ना, यू नो, कि आपको डेली बेसिस पे आपको काम आ सकता है। माइनक्राफ्ट के अलावा मुझे कहीं ऐसा दिखा नहीं जहाँ पे लोग, हाँ भाई हमें RTX ही चाहिए। फीचर नो डाउट अच्छा है, शानदार चीज है, बहुत प्यारा आपको गेम दिखता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है जब आप गेमिंग करते हैं। बट वही है कि ऑब्वियसली लिमिटेड गेम्स में है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब ये इंडस्ट्री ना ऐसी फैसिनेटिंग इंडस्ट्री है ना कि कब ऊपर जाती है चीजें, कब नीचे जाती हैं ये पता नहीं लगता। 20 में उतना बूम नहीं था बट 30 के इसमें ज्यादा बूम है बहुत। रीजन इसका ये था कि 20 सीरीज का कार्ड लाई थी ये एनवीडिया। हुआ क्या था कि बहुत सारे यूजर्स ये कह रहे थे कि RTX नहीं चाहिए। आई थिंक 80% यूजर्स लोग कह ही रहे थे कि हमें RTX नहीं चाहिए। जिन लोगों के पास ऑलरेडी 1080, 1070, 1050 Ti एटलीस्ट, तो वो लोग स्विच इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि परफॉर्मेंस में ज्यादा बम्प नहीं था। एग्जैक्टली, यू नो RTX था, RTX अच्छा था बट परफॉर्मेंस में उतना बम्प नहीं था। इनका सारा ध्यान RTX टेंसर कोर्स पे चला गया था, तो वो उसकी वजह से इनका जो नॉर्मल CUDA कोर्स होता है वो ज्यादा इन्होंने बढ़ाए नहीं थे। तो फ्रेम रेट जो बात घूम फिर के जिस पे आती है, फ्रेम रेट ज्यादा डिलीवर नहीं किया था उतना। थोड़ा बहुत उन्हें पीछे हटना पड़ा और उसके प्राइसेस उनको कम करने पड़े थे ताकि मार्केट में ज्यादा बिके। बट फिर भी काइंड ऑफ सक्सेस था ये RTX का कार्ड जो था 20 सीरीज का। 20 सीरीज ना ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आया गया, कोई ज्यादा पूछना नहीं चाह रहा क्योंकि ज्यादा लीड भी नहीं था। 20 सीरीज वैसा था कि जिसने ले लिया वो खुश है, जिसके पास पुराने कार्ड थे उसने नहीं लिया वो भी खुश है, 30 ने थोड़ा गेम चेंज किया था। 30 सीरीज जब आई थी, मतलब जब अनाउंसमेंट हुआ था वो थ्रिल, मतलब एक्साइटमेंट अलग थी बहुत। मैं आज तक याद करता हूँ कि भाई मैंने उनके वो देखा अनाउंसमेंट, वो देखा उसमें था 45,000। ठीक है भाई, सर भाई 45,000 कौन सा कार्ड था सबसे पहले जो इन्होंने दिखाया था? आई थिंक 3070 का आप बता रहे हो 45,000 वाला। 3060 Ti का आया था। फिर लोगों ने परफॉर्मेंस कंपेयर किया। लीप अच्छा था, लीप बहुत अच्छा था और ये रहता अच्छा अगर काफी चीजें नहीं बदलती। अगर बहुत इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि अरे मेरा वो था कि भाई मैं 2060 अभी यूज कर रहा हूँ, तो मेरा ये था कि भाई मेरे को अपग्रेड करना है। एक आपका वो होता है ना अपग्रेड करने का कि हाँ टेक्नोलॉजी में एक लीप आया, क्योंकि जब मैंने लिया था उसके मेरे ख्याल से 6-7 महीने बाद ही या 5 महीने बाद ही, कुछ ज्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं हुआ था, और 30 सीरीज आ गई थी। वो अनाउंसमेंट के बाद में ना स्टॉक बचा ना प्राइसिंग वो रही, खासकर इंडिया में, मतलब शॉर्टेज हो गई, स्टॉक की शॉर्टेज हो गई। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था 3050 सीरीज का, वेट कर रहा था 3050 या 3060 आया तो वो भी प्रॉमिसिंग होगा, मैं वो वाला लूंगा कार्ड। क्योंकि कुछ इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो लोग बता रहे थे कि 3050 आएगा 13,000 में। बेचारे कहाँ से पता नहीं उनको नॉलेज मिल रहा है। 3050 आज तक लॉन्च नहीं हुआ बाय द वे, और ये लोग तब बनाते थे न्यूज। हम तो रिविजिट करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसेस अभी वापस कम आ रही हैं, बट डेवलपमेंट ही ऐसा हो रहा है कि क्या उसमें कुछ आप कर नहीं सकते ना। ये जो मार्केट है जीपीयू का कि हाँ भाई देखा जाएगा कब आता है। सडनली ये अभी मार्केट में एक वो खबर आई है उड़ते हुए कि जीपीयू प्राइसेस कम होंगे, जीपीयू की एक अवेलेबिलिटी बढ़ेगी कि अब, क्योंकि प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो ये बंद कर नहीं सकते, और अच्छा खासा वेंडर्स जितने भी लोकल वेंडर्स हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है भाई, ऐसा कमाया है ना उन लोगों ने। हुआ ये था कि अच्छा बाय द वे मेरे पास अभी 3060 Ti कार्ड है, कि कुछ लकी यूजर्स हैं जिनको ये नसीब हुआ है देखने का कार्ड। केवल वैसे अच्छी नहीं थी कि मेरे को कार्ड मिल गया, मेरी किस्मत इसलिए अच्छी थी कि मेरे को कम प्राइस में कार्ड मिला। क्योंकि जिस दिन मैंने कार्ड खरीदा था उसके अगले दिन ही उसी शॉप में ये कार्ड 20,000 रुपये महंगा मिल रहा था। ओके, क्या प्राइस डिस्क्लोज करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, 41,000। तो शुरुआत तो यही हुई थी कि भाई इथेरियम वाले जो थे, जो माइनिंग करना चाह रहे थे, बेसिकली प्राइसेस कम थी तो उन्होंने भैया स्टॉक करना चालू कर दिया। एक होता ना उनका स्ट्रेटजी होती है कि पहले हम यहाँ का मार्केट थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर सप्लाई करेंगे, जैसे इंडियन मार्केट हो गया, बाकी कंट्रीज हो गए। करेक्ट, इंडिया अच्छी मार्केट है बट फिर भी यहाँ आने में टाइम लगता है ऑब्वियसली। हाँ, हाई रेट्स पे, मतलब ये लोग किसी भी तरह इलीगल तरीके से या किसी भी तरीके से बस कार्ड्स लाना चाहते थे, और जब वहाँ पे स्टॉक्स नहीं हो पा रहे थे, ये कार्ड्स का कभी जो एक एक्साइटमेंट जो शुरू किया था इन्होंने वो मतलब गायब सा हो गया कहीं, खत्म। लोग बस ऐसी आंखें बिछा के बैठे रह गए कि अब मिलेगा कार्ड, अब आएगा कार्ड, बट बहुत लोगों को कार्ड नहीं मिला है। मैन्युफैक्चरर्स ने भी ये नहीं सोचा था कि भाई इतने बल्क में जो क्रिप्टो करेंसी माइनर्स हैं वो लेके जाएंगे, और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऑब्वियसली ग्रो हो रही थी, प्रॉफिट भी दिख रहा था लोगों को अच्छा खासा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई, बट वही है कि सारा ब्लेम आप क्रिप्टो माइनर्स पे भी नहीं डाल सकते, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से हो रहा है। हाँ वो भी था बहुत बड़ा रीजन, जैसे 7 नैनोमीटर हो गया, 5 नैनोमीटर हो गया, जितना वहां तक जाने की कोशिश करोगे तो उसमें ना चिप्स बर्बाद होते हैं और बहुत सारे फेलियर होने के चांसेस होते हैं। जो लॉकडाउन हुआ है ना, लॉकडाउन में क्या हुआ था कि बाकी चीज़ों का मार्केट बढ़ा है। ये जो कंडक्टर्स हैं ये सारी जगह यूज़ होते हैं, कार्स, मिक्सी वगैरह, हर छोटी चीज़ों में यूज़ होता है। करेक्ट। हाँ, तो उस टाइम पे ये हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो ये वाली चीज़ें बिकना बंद हो गई थी। सबसे बड़ी बात, कार्स बिकना बंद हो गए थे। बिल्कुल, जैसा पता है कि सिर्फ एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा आउटसोर्स करती है ये चीज़, जैसे मैन पावर कम करते हो ऐसी फैक्ट्रीज में, तो ये मिनिमम 6 महीना टाइम आपको लग जाता है उस चीज़ को वापस रिकूप करने में। करेक्ट, हाँ। और लेकिन इस 6 महीने के टाइम पे आपका जो है पीसी सेक्टर उस टाइम पे उतना डिमांड पे नहीं था, क्योंकि इन्होंने इनके सेमीकंडक्टर्स के प्राइसेस हाई होने का, वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा अभी यहाँ पे। ट्रम्प बाबू ने कुछ किया था ना शायद, दो कंट्रीज की आपस की फाइट की वजह से भी हो सकता है। हुआ ये था कि इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, नहीं किया था किसी ने भी नहीं किया था, इनकी कंपनी ने भी सोचा था कि हम लोग ऑब्वियसली उन्होंने सोचा कि थोड़े बहुत माइनर्स लेंगे, थोड़े बहुत गेमर्स लेंगे। अब हुआ 10 सीरीज वाले जो बंदे होल्ड पे थे, उनको भी 30 चाहिए, जो 20 वाले हैं उनको भी 30 चाहिए, और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको भी 30 चाहिए। करेक्ट। तो ये जो 30 सीरीज का डिमांड था ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सारी चीज़ें हुई और इससे इंडिया में जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मतलब हद से ज़्यादा जो इन्फ्लेशन होता है ना इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, स्पेशली पीसी कंपोनेंट्स में, इस बार कुछ ज़्यादा देखने को मिला। इवन रैम, जो मैंने सपोज करो कि आपने 8 GB रैम खरीदी या 16 GB रैम खरीदी, एक DDR4 एक 2600 मेगाहर्ट्ज की हो गई रैम स्पीड जो होती है, एक आप ले रहे हो 3600 मेगाहर्ट्ज की, वो प्राइसेस इतनी स्पाइक हुई हैं। मतलब मैंने थोड़े टाइम पहले उसको खरीदा 3500 के आसपास, 8 GB की स्टिक की बात कर रहा हूँ मैं, और वही स्टिक आज की डेट में 5,500 रुपए में मिल रही है मेरे को। वही स्टिक उस दौरान के बीच में वही स्टिक 8 GB की स्टिक 8,000 में बिक रही थी। बाहर से जो हमारा सामान आता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं ऐसे वाले, इनको लग्जरी आइटम माना जाता है, बाय द वे कंप्यूटर को लग्जरी उसमें माना जाता है। तो लग्जरी पे इंपोर्ट टैक्स जो है अराउंड 45% टू 50% क्या है, मतलब 45-48% के आसपास है। तो जो सामान आप 10,000 का बाहर है वो इंडिया में आती है वो पहली बार 15,000 का हो जाता है। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा बूम कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेटेड प्राइसेस में भी काफ़ी लोगों ने ग्राफिक कार्ड भी परचेज किए हैं, पीसीज बनवाए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो पीसी आप 1 लाख में बनवा सकते थे लोगों ने उसको 3-3 लाख में बनवाया है। न्यूज़ में ज़रूर आ गई है कि प्राइसेस कम हो रही हैं। टाइम लगेगा वैसे, इंडिया में टाइम लगेगा, मैं बता दूं बहुत टाइम लगेगा, प्राइसेस कम होने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और वही जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 3070 जो 45,000 का था वो 3070 की बात कर रहे थे, 90,000 का बिक रहा था। हाँ, उसी की बात कर रहे थे अपन। अच्छा, ये अभी जब जीपीयू की प्राइस बता रहे हो तो मैं एक फनी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे जो मैंने किया था। मैंने अपने कार्ड जो मैंने 41,000 में खरीदा था, मैंने एक दिन ऐसे उसको OLX पे डाल दिया कि मेरा यूज्ड कार्ड है, 20 दिन यूज़ किया है। करेक्ट, किसी को चाहिए तो खरीद। और मैंने MRP डाला था 65,000। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास 65,000 में लेने को कम से कम 5-6 लोग तैयार थे। मेरा बिलिंग प्राइस 41,000 का है, इसके बाद भी वो लोग रेडी थे कि मुझे आप कार्ड भेज दो, मैं 65 पे करने को तैयार हूँ आपको। फिर क्या एथिक्स पे बात आ जाती है, थोड़ी सी एथिक्स पे बात आ गई, मन ललचाया नहीं थोड़ा सा कि 25,000 का प्रॉफिट अच्छा खासा। अब यही चीज तो पूरे मार्केट में हो रही है, इस चीज को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, वो तो उनका धंधा है ना सर, हम नहीं कर सकते ये चीज। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार ग्राफिक कार्ड कभी ऐसे सस्ते होते हुए बस हमें विजुअली सामने दिखाए कि भाई हाँ एनवीडिया इतने का बेच रहा है, एक्चुअल जब भी आप हाथ में लेने जाओ आपको कभी उस प्राइस में, इवन 10 सीरीज की बात कर लो भले 20 सीरीज की बात कर लो, आपको उस प्राइस में कभी नहीं मिलता जब तक आप 100% मार्केट को देखते नहीं रहते हो ना कि क्या चल रहा है बाहर से, क्या चीजें इंपैक्ट करने वाली है मार्केट को। जब तक आप ये चीजें नहीं देखोगे तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि कब इसके प्राइसेस हाई होंगे या कब लो होंगे। कि चलो ये तो समझ में आ गया कि प्राइसेस कम हो रहे हैं इनके और होंगे प्राइसेस कम। रीजन क्या है इसका? पूरी वर्ल्ड में जितनी भी माइनिंग होती है उसका 50% या 60% माइनिंग चाइना में होता है, और चाइना की गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, माइनिंग बैन कर दिया है। चाइना बहुत ज़्यादा माइनिंग करता है इसको। करेक्ट। तो ये रीज़न है कि उनकी गवर्नमेंट जो है ये अनसर्टेनिटी जो है ना खत्म करना इससे गवर्नमेंट बचना चाहती है। हाँ, ये अनसर्टेनिटी देती है गवर्नमेंट को ना, कि क्योंकि लोग लॉस में जाते हैं ना, बात वहाँ पे आती है। अगर लोग लॉस में है तो कंट्री लॉस में है। इतना सडन चेंज अगर आप देखें, जैसे इथेरियम हो गया या जो मेजरली लोग माइन करते हैं, बिटकॉइन करते हैं, बट इथेरियम लोग ज़्यादा माइन करते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट उनको ज़्यादा दिखता है ना। चाइना का क्या है कि जैसे उनके रिग्स हैं, बहुत सारे रिग फार्म्स हैं उनके, करेक्ट, ठीक है। अब उनको ज़रूरत नहीं है कार्ड्स की, वरना नॉर्मली क्या होता है डेली कुछ ना कुछ एक जो डेली नए कार्ड जो खरीदे जाते हैं अब नहीं खरीदे जाएंगे वहाँ पे। दूसरा मार्केट में सेकंड हैंड उनके वहाँ पे भर गया है पूरा मार्केट सेकंड हैंड इससे कार्ड से, समझ रहे हो आप। इथेरियम अपने टॉप पे है अभी, जो माइनिंग में पैसा लगाएगा अभी ये डाउन जाएंगे, तो एक तरह से पैसा डुबाने वाली बात हुई अभी। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 6 महीने या 7 महीने ऐसा टाइम है जब जो है ये स्टेल पे चलेगा ये पूरा मार्केट जो है क्रिप्टो का, जो पूरा मार्केट है। तो इसलिए ये वो परफेक्ट टाइम है जहाँ पे ना कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। इनको माइनस की टेंशन नहीं होगी, इनको ये पता होगा इनका सेकंड हैंड कार्ड्स मार्केट में है, तो ये लोग एक्चुअली अब उनको कैटर कर सकते हैं जो इनके प्राइमरी टारगेट होते हैं जैसे कि गेमर्स। मेरे ख्याल से विन-विन सिचुएशन होगी सबके लिए। अभी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे सिचुएशन के दौरान कंपनी का क्या रोल था, एनवीडिया का क्या रोल था इस पूरे दौरान, जो भी लॉन्च से लेके अभी तक जो भी सिनेरियो हुआ है, जो भी मैसअप हुआ है। कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वो यू नो एक्टिव होना पड़ेगा। कंपनी का ऐसा लग गया कि एनवीडिया सो गई है, जिसे कहते हैं ना कि मतलब अनकंट्रोलेबल चीजें हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें बेचना है 1 लाख 1.5 लाख जितने में तुम्हें बेचना है ग्राफिक कार्ड बेचो, हम बैठे हुए हैं आराम से, हम अपनी प्राइस आप हमारी वेबसाइट पे लिस्ट करते रहेंगे 30,000 45,000। ये कंपनीज कर सकती थी यू नो कि हमारा मैक्स रिटेल प्राइस से आप ऊपर नहीं बेच सकते हो। ये रेगुलेट होना चाहिए था, ये एक्चुअली होना चाहिए था रेगुलेट, क्योंकि मतलब चलिए सबने पैसा कमाया वो चीज़ अच्छी बात है, बट ये चीज़ इन द एंड उसने कहा कि मैंने बिल बना के दिया है, उसने कहा कि मेरे को ही इतना महंगा मिल रहा है सामने से, ओके उसने कहा जब मेरे को 65 से ऊपर का मिलेगा कार्ड तो मैं उसे कैसे बेच दूँ इससे कम में। पॉइंट है, कह रहा है कि डब्बे पे तो लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ, और डब्बे पे एमआरपी लिख के आ ही नहीं रहा है। तो सर आपके पास तो ऑलरेडी कार्ड है, ठीक है, हाँ जी, अब प्राइसेस तो कम हो रही हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर जैसी प्राइसेस हों क्या लोगों को ले लेना चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए और कम होने का? इंडियन प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, इंडियन प्राइसिंग की बात करूं तो अगर मैं सारे कार्ड्स के नाम लूं जो 3060 जो 12 GB वाला कार्ड है वो ना ले कोई, अच्छा फालतू का बर्बाद है, करेक्ट है, करेक्ट है। 3060 Ti अगर आपको मिल रहा है 35 से लेके 42 तक में अगर आपको 3060 Ti मिल रहा है आप ले लो, ठीक है। और 3080 कार्ड्स है इसके लिए आप पे करो ज्यादा से ज्यादा 90,000 अगर 90 मैक्स है ये, अच्छा अगर आपको इससे नीचे में 3080 मिल रहा है, ठीक है, तो जितना नीचे जाओ आप ले सकते हो, मतलब इसमें आपको वैसा कोई रिग्रेट नहीं करोगे आप कभी। करेक्ट, कोई अच्छा रिटेलर जो आपको इन सब इन्फॉर्मेशन देता रहो, मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ का एक रिटेलर था वही देता था, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लोकेशन में एक रिटेलर हो कोई अच्छा सा, उसके कॉन्टेक्ट में रहो, आपको बताता रहेगा मार्केट में क्या चल रहा है। करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक 6 महीने में प्राइस नीचे जानी चाहिए, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1 साल तक अगर वेट करना है मैं क्या, तब तक तो नए कार्ड्स आ जाएंगे। तो 4000 सीरीज के बारे में हम लोग किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू अस, और हम लोग ऐसी टेक पॉडकास्ट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड अगर आप टेक एंथुसियास्ट हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है स्मार्टफोन्स में एंड यू गाइस वांट टू हैव अ चैट, हैव अ कॉन्वर्सेशन, डू जॉइन अस ऑन यूट्यूब जहाँ पे वी डू अपलोड वीडियोस। चैनल का नाम है पटेटो टेक।